हेलो डियर, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। तो गाइज, आज हम जिस इंडियन स्टेट की बात करने वाले हैं, ये इंडिया की साउथ की स्टेट है, साउथ इंडिया की, और तामिल यहाँ पर जो है बोली तमिलनाडु जाती है। तो डेफिनेटली हम तामिलनाडु तमिलनाडु की बात करेंगे। और तामिलनाडु जो है उसके बारे में फेमस है कि ये मतलब अपनी हिस्ट्री की वजह से, इसकी जो हिस्ट्री है और तमिलनाडु के जो टेम्पल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं और उनका जो आर्ट है, उसकी वजह से ये पूरी दुनिया में जो है फेमस है। अच्छा, बाकी हम वीडियो में देखेंगे, वीडियो में जानेंगे कि आपको ये बता दूं कि तमिलनाडु के अंदर 5 डिवीजन आती हैं और 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। हमारे पूरे पंजाब के मतलब ऑलमोस्ट इतने डिस्ट्रिक्ट हैं जितने सिर्फ तमिलनाडु में हैं। तो काफी बड़ी स्टेट है और डिवीजन इसके 5 डिवीजन पर ये मुश्तमिल है। तो चलें पहले हम जो है आज का वीडियो देखते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड जो हमारे पास है, तो उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। तो करें स्टार्ट। बिल्कुल, तो चलें जी वीडियो की तरफ। अरे भाई, ये तमिलनाडु है यार। ये इंडिया वैसे ये पानी का कलर देखिए। ओ अच्छा, पानी का कलर तो देखिए, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश ब्रिज है इसके ऊपर, आप ये देखो। बिल्कुल, और क्या बढ़िया सीन है यार यहाँ से। ये है तमिलनाडु राज्य, जिसे भारत का इकलौता मंदिरों वाला राज्य माना जाता है। तमिलनाडु में हजारों की संख्या में मंदिर मौजूद हैं, जिस वजह से ये मंदिरों के राज्य के रूप में पूरे यार मेरा ना एक आई विश टू विजिट दिस मतलब ये वाले जो टेम्पल हैं इतने वैसे आर्किटेक्चर, उस टाइम के लोगों ने क्या महारत यार उस मंदिर में। ये पुराने जमाने के बने हुए ना भाई, बहुत ओल्ड हिस्ट्री है, बहुत ओल्ड हिस्ट्री है। भारत में पॉपुलर है ये राज्य, भारत के दक्षिण में पड़ता है, जहाँ से श्रीलंका केवल 25 किलोमीटर दूर रह जाता है। तमिलनाडु भारत बिल्कुल पास है ये, 25 किलोमीटर जैसे समय हमारे यहाँ से रही है। ऐसे ही है। भारत का संस्कृति के मामले में सबसे पुराना राज्य है ये राज्य। तमिल भाषा बोलने वाले लोगों का घर है। तमिल भाषा 3000 साल से भी पुरानी भाषा मानी जाती है, जो आज भी तमिलनाडु के 90% लोगों द्वारा बोली जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और श्रीलंका से घिरा हुआ है। ये राज्य इतिहास में चोला, पल्लवा, पांड्या और विजयनगर डायनेस्टी के इतिहास का गवाह बना रहा है। इन्हीं साम्राज्यों के दौरान इस राज्य ने अपनी संस्कृति को आकार दिया है, जो आज भारत ही नहीं बल्कि अरब देशों और साउथ ईस्ट एशिया तक फैली हुई है। भारत की आजादी के बाद ये इलाका मद्रास का हिस्सा हुआ करता था। 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से इसका कुछ इलाका कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के पास चला गया और 1969 में इस बचे हुए इलाके को तमिलनाडु का नाम दिया गया। तमिलनाडु के अंदर भारत में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं और सबसे ज्यादा शहरीकरण भी भारत के इसी राज्य में हुआ है, जिस वजह से इस राज्य का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI 11वें नंबर पर आता है। इस राज्य की कुल GDP का 1/3 हिस्सा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ही आता है और टूरिज्म के मामले में ये राज्य टॉप 3 में आता है। तमिल फिल्में भारत के साथ साथ दुनिया में देखी जाती हैं, जिस वजह से तमिलनाडु में फिल्म इंडस्ट्री की वजह से टूरिज्म काफी ज्यादा बढ़ा है। ये राज्य 130,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे क्षेत्रफल के मामले में 11वां सबसे बड़ा राज्य बनाता है। नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल के बीच बॉर्डर का काम करती हैं। तमिलनाडु एक समतल और उपजाऊ भूमि वाला राज्य है, जिसमें काफी ज्यादा खेती की जाती है। तमिलनाडु की इकोनॉमी के अंदर खेती का भी एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियां मानसून की बारिश को तमिलनाडु में आने से रोकती हैं, जिस वजह से ज्यादा बारिश से यह राज्य बचा रहता है और इसी वजह से किसानों की फसलें भी सुरक्षित रहती हैं। आपको बता दें कि चोल मंदिर, महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट्स और नीलगिरी पर्वत को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का खिताब भी मिला हुआ है। इस राज्य की तमिल संस्कृति को दुनिया की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक माना जाता है। इनका इतिहास लिखित तौर पर ही 2000 साल से अधिक पुराना माना जाता है। यहाँ पर कई राजाओं का राज रहा, जिस वजह से यहाँ के मंदिरों और संस्कृति में अलग अलग रंगों की छटा देखने को मिलती है। हर नया शासक यहाँ नए विशाल और सुंदर मंदिर बनवाता था, जिसकी वजह से इसको मंदिरों वाला राज्य की पहचान मिली है। तमिलनाडु में बोली जाने वाली तमिल भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, जिसे आज भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु के अलावा तमिल भाषा श्रीलंका और सिंगापुर की भी आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा ये दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और मॉरिशियस में भी बोली जाती है।
तमिलनाडु के रामेश्वरम में मौजूद रामनाथ स्वामी मंदिर अपने रंग बिरंगे गलियारों के लिए काफी पॉपुलर है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का सबसे पुराना खेल है। ये खेल हर साल पोंगल के त्योहार पर खेला जाता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में मौजूद सिरुवनी झरना पूरी दुनिया में पॉपुलर है। ये शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर मौजूद है। यहाँ के कोड़ी कनाल में खिलने वाले फूल नील क्यूरिंजी 12 साल में एक बार खिलते हैं। और क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 12 साल बाद ये फूल खिलते हैं? 12 साल में एक बार? 12 साल में एक बार, अमेजिंग यार। सिर्फ ये फूल देखने को मिलेंगे यार, वैसे लेवल है भाई। मौजूद हिंगिथ बॉथम्स बुक शॉप भारत की सबसे पुरानी बुक शॉप है। इसकी स्थापना साल 1844 में की गई थी, जो अभी भी उसी जगह पर चल रही है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं भाई, दोनों हैंड से लाई, बिल्कुल थम्स अप के। इतना जबरदस्त, अच्छा टूरिस्ट के लिए बेस्ट अट्रैक्शंस और बेस्ट प्लेसेस जो है ना आपको मिलती हैं। और कितने अट्रैक्टिव थे, बिल्कुल टेंपल्स के नाम से इनका नाम है, और टेंपल्स की वजह से मतलब फेमस है तमिल जो है तमिलनाडु। हमने एक चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखी थी, तमिल के अंदर ही आते हैं ना वो, भी उधर ही आते हैं तमिल स्टेट में ना, तमिल से उसमें बोलते भी तमिल है। शाहरुख खान को समझ नहीं आती। हाँ, वो बड़ी मजे की मूवी थी। तो ये था जी आज का वीडियो। आज हमने देखा है जी तमिलनाडु, जो कि यार एक क्रेज पैदा हो गया कि यार इसको देखना चाहिए। Why we can't visit? हम क्यों नहीं भाई विजिट कर सकते, हमें मतलब होना चाहिए वैसे चाहिए। बंदा जो है श्रीलंका से सिर्फ 25 किलोमीटर, हमारे जो पॉलिटिशियन है ना, कसम से मेरा दिल करता है जूता उठाऊंगा इनको मारूं। सही बात है भाई, सबका सही बात है। इनकी वजह से मीडिया जो है दोनों साइड का, मीडिया में दोनों साइड का बोल रहा हूं, और पॉलिटिशियन भी दोनों साइड के, इन्होंने जो है ना बेड़ा गर्क किया होगा, वरना मतलब लोगों में प्यार है, प्यार है भाई। आप ये देख लो, में चले जाएं, आपको कल, प्यार मिल कल पाकिस्तान बेशक साउथ अफ्रीका से हार गया, लेकिन आपको वहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा था, क्राउड पाकिस्तान पाकिस्तान के नारे लगा रही थी। वो एक मेरे वीडियो देखी थी, वो इंडिया का था, कहता यार मुझे कसम से यार बहुत ज्यादा बहुत दुख हुआ, मैं भी वो देख रहा था बंदे को, कहता यार हम सपोर्ट करने आए थे कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए। और चले इसके ऊपर आप देखो कि वो अंपायर्स के कुछ डिसीजंस जो है वो मतलब उसके ऊपर है, सभी ने बजी ने भी बात की है उसके ऊपर, और इरफान ने भी बात की है। पाकिस्तान ने कारगर्दगी भी इतनी कोई कमाल नहीं की थी, हम कोई दुख नहीं है भाई, कोई दुख नहीं है। क्यों, अगर आप इस तरीके से आगे पहुंचोगे ना तो फिर आप ना ही पहुंचो तो बेहतर है, क्योंकि वो टीमें जो आज ऑस्ट्रेलिया देखो या न्यूजीलैंड के उसके अगेंस्ट कितना बढ़िया उन्होंने खेला, न्यूजीलैंड भी अच्छा खेल रहा है, मैच चल रहा है भाई अभी राइट नाउ हमारे सामने मैच चल रहा है, लेकिन ये एक अच्छा मैच हो रहा है। तो चले बाकी तमिलनाडु के ऊपर आते हैं वंस अगेन, और तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तो कैसा लगा? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। हारिया जाना चाहोगी? चले सही बात है कि अगर यकीन करेंगे हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी होना तो पूरे इंडिया को एक्सप्लोर करें, हम वहां पर आकर देखना चाहते हैं। लेकिन ये आके भाई मुझे लगता है एक साल तो चाहिए, एक साल थोड़ा है भाई, बहुत थोड़ा है। आप मतलब जाहिर है पूरी एक स्टेट में आपने रहना है, हाँ जी, एक्सप्लोर। ये नहीं कि मैंने एक एक चीज एक एक घर का बताना है कि पूरी जिंदगी लग जाएगी, नहीं, नहीं, मतलब ये है कि एक मतलब जैसे कि अभी 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 इब्रार जो हमारे राइडर हैं वाइल्ड लेंस वाले, वो गए थे ना इंडिया, मतलब वो जहाँ जहाँ से भी गए हैं तो उनको प्यार मिला है, प्यार मिला है। और मैं बताया भी है यार कितना प्यार मिला मुझे, मैं ना यकीन करो कि उसके व्लॉग्स देखता था ना तो मैं शौक होता था, बैठता था कि यार देखो कि लोग जब इंस्टा पर उनको पता चलता है कि एक बाइकर पाकिस्तानी जो कि आया हुआ है, और उसको वहां का वीजा इजीली मिल गया क्योंकि उसके पास जर्मनी की नेशनैलिटी है, तो वो उस बेस के ऊपर जो है, तो हमें पहले लगता है नेशनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी डेफिनेटली भाई, सीधी बात है, हमारे हमारे पॉलिटिशियंस ने इस काबिल छोड़ा नहीं है कि हम डायरेक्ट हमें वीजे मिल जाए, ये हालात है। बाकी ये है कि बढ़िया स्टेट है तमिलनाडु भी, मजा आया देखकर। तो हमें कौन कौन देख रहा है तमिलनाडु से, कमेंट बिलो एंड वी विल बैक टुमारो विद अ न्यू लेटेस्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही रखें ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।